गवैया कथा। एक धोबी के पास एक बूढ़ा सा मरियल गधा था। गधा रोज सवेरे मैले कपड़ों की गठरी लेकर घाट जाता था और शाम को धुले कपड़ों को लाद कर घर लाता था। रात होने पर उसे छुट्टी मिल जाती थी। एक दिन वह घूमते फिरते एक उसकी भेंट एक गीदड़ से हुई। दोनों दोस्त बन गए। अब दोनों भोजन की तलाश में साथ साथ घूमने लगे। इसी तरह घूमते फिरते वे पके खीरों के खेत में जा पहुंचे और पेट भरकर खीरे खाए। दूसरी रात में फिर वहीं गए और जी भरकर खीरे खाए। अब तो रोज ही खीरों की दावत उड़ने लगी। खीरे खाकर मरियल गधा खूब मोटा ताजी हो गया। एक रात भर पेट खीरे खाने के बाद गधा मस्त हो गया और मौज में आकर गीदड़ से बोला, भतीजे देखो, आसमान की तरफ देखो, चांद कैसा चमक रहा है। आहा, कैसी सुहावनी रात है, मेरा मन तो गाने का कर रहा है। गीदड़ बोला, अरे कहीं गाने ही न लगना, खेत के रखवालों ने सुन लिया तो बैठे बैठाए आफत गले पड़ जाएगी। चोर के लिए चुप रहना ही भला होता है। गधे ने कहा, क्या बात करते हो जी, इतना प्यारा मौसम है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो एक बढ़िया गाना गाऊंगा। ना चाचा ना, मुंह बंद ही रखो तो ही अच्छा है, इसके अलावा आवाज़ भी तो सुरीली नहीं है, तुम मुझसे जलते हो। गधा बोला, तुमको न सुर का पता न ताल का, संगीत का आनंद तुमको तुम क्या जानो। गीदड़ ने कहा, या तो खैर ठीक है, लेकिन संगीत का आनंद केवल तुमको ही आएगा। खेत वाले तुम्हारा गाना सुनकर फौरन यहाँ आ धमकेंगे और तुम्हें ऐसा इनाम देंगे कि वो तुम बरसों याद रखोगे। इसलिए कहता हूँ कि मेरी बात मानो और गाने का इरादा छोड़ दो। गधे ने जवाब दिया, तुम मूर्ख हो, तुम महामूर्ख हो, तुम समझते हो कि मैं कितना अच्छा गाना नहीं गा सकता। लो सुनो, मेरा गला मीठा है या नहीं। ऐसा कहकर गधे ने रेंकना शुरू कर दिया। गीदड़ ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो चाचा, ठहरो, पहले मैं बाहर चला जाऊं, फिर तुम भी भरकर गा लेना, मैं बाहर ही तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। गीदड़ के जाते ही गधे ने ऊंचे स्वर में अपना राग अलापना शुरू कर दिया। खेत के रखवालों ने जैसे ही गधे को रेंकते सुना, वह अपने अपने डंडे लेकर खेत की ओर दौड़े। गधा बेखबर रेंकता ही जा रहा था कि उस पर डंडे बरसने लगे। रखवालों ने उसे इतना मारा कि ज़मीन पर वह लड़क गया। फिर उन्होंने गधे के गले में एक भारी पत्थर बांध दिया और चले गए। गीदड़ खेत के बाहर खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था। तभी गधा भारी पत्थर के साथ किसी तरह घिसटता हुआ बाहर आया। उसे बाहर देखते गीदड़ बोला, वाह चाचा, रखवालों ने तुम्हें बहुत ही अच्छा इनाम दिया, बधाई हो, बधाई हो। गधे ने कहा, अब मुझे इतना भी शर्मिंदा मत करो, मुझे तुम्हारी सलाह ना मानने पर बहुत अफसोस हो रहा है।